अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अली एंड एडवोकेट बाय प्रोफेशन। लेकिन कल हमारे ऑफिस में एक केस आया। एक लेडी थी, वो एक नोटिस लेके आई कि उनको एक नोटिस रिसीव हुआ है कोर्ट से। वो नोटिस मैंने देखा तो वो था कि एग्जीक्यूशन की फाइल हुई है और एग्जीक्यूशन में इनको एक नोटिस गया है। अब फैक्ट्स, ब्रीफ फैक्ट्स आपके केस ये हैं कि कुछ साल पहले उनके लेडी के जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद जो उनकी दूसरी वाइफ थी, उन्होंने एक सूट फाइल कर लिया, सूट फॉर पार्टीशन। उस प्रॉपर्टी, उस वो घर जो है उनके वालिद के नाम पे था। तो उनके इंतकाल के बाद जो उनकी दूसरी बीवी थी यानी उनकी बेवा, उन्होंने एक सूट फाइल कर लिया। और 4-5 साल पहले की बात है, इनको नोटिस मिला। ये नोटिस पे कोर्ट नहीं गए क्योंकि इनको, अब आम लोगों को तो नहीं पता कि क्या इम्पोर्टेंस है कि नोटिस मिले तो फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, नोटिस ही तो है। तो इन्होंने सिंपली उसको इग्नोर किया और फिर वो चलते चलते केस जजमेंट डिक्री हुआ उनकी फेवर में, जो उनके वालों की बेवा थी यानी इन लेडी के खिलाफ। और फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन फाइल की। अब एग्जीक्यूशन का इनको नोटिस आया है कि आपको ये घर खाली करना है और इस घर को फिर नीलाम करके हम जो इनके लीगल हेयर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मेरा ये वीडियो पोस्ट करने का मकसद ये है कि जब आपको कोई कोर्ट का नोटिस रिसीव हो जाए तो आपको लाजमी तौर पे अपीयरेंस देनी चाहिए कोर्ट में। अगर आप इसको इग्नोर करके बैठ जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि वो डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नोटिस आए तो जाना चाहिए, अपीयरेंस देनी चाहिए और अपना मौकफ देना चाहिए, अपना जवाब, अपना रिप्लाई, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर एफिडेविट, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आप केस में कंटेस्ट तो कर सकें, वरना वन साइडेड एक्स पार्टी डिसीजन आपके अगेंस्ट आ जाएगा। तो कभी भी कोर्ट नोटिस को इग्नोर मत कीजिए। थैंक यू।